ಅನುದಿನಾ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಯೆಸ್ ಸರ್ ಯೆಸ್ ಟೀಚರ್ ಕಸನ್ ಮ್ಯಾಮ್ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अजीज तलबा, उर्दू मीडियम की समयदा ई क्लासेस में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शब्बीर अहमद माविन मौलिम गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल कोटा तालुक लिंगसगुर जिला रायचूर से। प्यारे बच्चों, आज हम जमा शशुम की मजमून साइंस में सबक नंबर 8 जिस्मानी हरकत यानि बॉडी मोमेंट्स के सबक का मुताला करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने इस सबक को 5 हिस्सों में यानि 5 सेशंस में तकसीम किया है, तो आज ये उसका पहला हिस्सा है। प्यारे बच्चों, ये जो सबक है ये आपकी किताब में सफा नंबर साइंस की किताब में सफा नंबर 79 पर यह सबक शुरू होता है, जिसका नाम है जिस्मानी हरकत। तो आइए बच्चों, ये सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात करूंगा जो कि बिल्कुल आसान हो गए, उम्मीद है आप उसको बगौर सुनकर जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स क्या होते हैं? क्या आपके स्कूल में ये खिलाए जाते हैं? हाँ, तो आउटडोर गेम्स वो गेम्स हैं जो खुले मैदान में किए खेले जाते हैं, जैसा कि क्रिकेट है और कबड्डी है और खो खो है वगैरह वगैरह। उसी तरह से इंडोर गेम्स उन गेमों को कहा जाता है जो एक कमरे के अंदर भी उसको खेल सकते हैं, जैसा कि कैरम बोर्ड है, चेस है और टेबल टेनिस है वगैरह वगैरह। तो आप गौर कर सकते हैं कि इन जो भी खेल हम खेलते हैं उसमें हमारे जिस्म के हरकत का होना बहुत जरूरी है। बगैर जिस्म हरकत किए हम कोई भी खेल खेल नहीं सकते, चाहे वो आउटडोर गेम्स हों या चाहे वो इंडोर गेम्स हों। तो जिस्म के हरकत, जिस्मानी हरकत के बारे में ही ये सबक है। तो इसके अहम नुकात मैं सबसे पहले आपके सामने पेश करता हूँ। तो इस सबक के अहम नुकात ये हैं कि जिस्मानी हरकत के माने क्या हैं, ये नंबर एक, और इंसानी जिस्म और उसकी हरकत यानी इंसानी जिस्म और उसकी हरकत, ये नंबर दो है। और नंबर तीन जो नुकता है वो है जोड़ की तारीफ, यानी जिस्म में जो जोड़ होते हैं उनकी तारीफ, जिसको जॉइंट्स कहते हैं। और नंबर चार है हड्डियों की तारीफ यानी बोन्स। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जिस्मानी हरकत के माने क्या हैं, यानी जिस्म से जो हरकत होते हैं उसके माने क्या हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे कि जिस्म से होने वाली हरकत को जिस्मानी हरकत कहते हैं, यानी जो भी हरकत हम अपने जिस्म से करते हैं वो जिस्मानी हरकत कहलाते हैं। तो जब हम हालत सुकून में होते हैं या एक ही जगह पर होते हैं तो भी हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हरकत में होते हैं। मसलन पलकों का झपकना, सांस लेते वक्त सीने की हरकत वगैरह। यानी जब भी हम खामोश होते हैं, बिल्कुल इत्मीनान से अगर आप बैठे हैं, तब भी क्या है, हमारे जिस्म में कुछ ना कुछ हरकत होती रहती है, जैसा कि आंखों का झपकना है, सीने का फूलना और सुकड़ना है दौरान सांस में। तो इसके अलावा हम एक जगह से दूसरी जगह के लिए जब जाते हैं तब भी हरकत होती है, कोई चीज लाने के लिए या उठने के लिए, बैठने के लिए, दौड़ने के लिए, उछलना कूदना, ये तमाम काम जो होते हैं इसमें हरकत रूनुमा होती है। तो जिस तरह से इंसान हरकत करते रहता है यानी अपने जरूरत के मुताबिक उठता है, बैठता है, भागता है, दौड़ता है,
तो उसी तरह से क्या है, जानवर भी क्या है हरकत अंजाम देते हैं। तो हम चलिए इस डिडोल में जो आपकी मशकी किताब में दिया गया है, तो इसमें जानवरों के नाम दिए गए हैं और एक जगह से दूसरी जगह हरकत के लिए इस्तेमाल होने वाला उनका जिस्मानी हिस्सा कौन सा है और जानवर किस तरह हरकत करते हैं, तो ये जिद्वल है। चलिए आइए और आप और मैं मिलकर इसको मुकम्मल करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर जानवर का नाम दिया गया है गाय। तो गाय क्या है, एक जानवर है। ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत के लिए कौन सा अपना जिस्म का हिस्सा इस्तेमाल करती है, टांगे, वेरी गुड। और जानवर किस तरह हरकत करते हैं, चलकर हरकत करते हैं। उसी तरह से इंसान, क्योंकि इंसान भी एक जानवर है, तो इंसान एक जगह से दूसरी जगह हरकत के लिए अपना कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करता है, पैर, वेरी गुड, शाबाश। तो पैर किस लिए इस्तेमाल करता है, वो हरकत के लिए। किस तरह इस्तेमाल करता है, चलकर इस्तेमाल करता है, वेरी गुड। अब उसके बाद आते हैं सांप। सांप एक जगह से दूसरी जगह हरकत के लिए अपना कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करता है, बल्कि पूरा जिस्म इस्तेमाल करता है, और वो किस तरह हरकत करता है, फिसल कर हरकत करता है, वेरी गुड। उसके बाद है परिंदा। परिंदा एक जगह से दूसरी जगह हरकत के लिए अपना कौन सा जिस्मानी हिस्सा इस्तेमाल करता है, बताइए, वेरी गुड, अपने परों से बने हुए पंखों को वो इस्तेमाल करता है, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे पंख। और वो किस तरह हरकत करता है पंखों के जरिए, उड़कर, वेरी गुड। तो वो पंखों के जरिए उड़कर हरकत करता है। उसके बाद है हशरा। हशरा किसको कहेंगे, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे चूंटी है, मकोड़े है, या दूसरे भी कई किस्म के छोटे मोटे पतंगे वगैरह, तमाम को हशरात कहते हैं। तो हशरात भी क्या है, हरकत करते हैं गिजा की तलाश में, अपने जरूरत के मुताबिक क्या है वो हरकत करते हैं। तो उनका कौन सा हिस्सा हरकत में मदद देता है, जिस्म और पैर। जिस्म से भी वो हरकत करते हैं और पैर से भी हरकत करते हैं, ये उनके हशरात के क्या है, अपने जिस्म से मुआफिकत है। चंद कीड़े मकोड़े उड़ते हैं, चंद कीड़े मकोड़े जमीन पर चलते हैं, चंद रेखते हैं, चंद के पैर भी होते हैं, चंद के पैर नहीं होते, क्योंकि कीड़े मकोड़े होते हैं। और जानवर किस तरह हरकत करते हैं, बताइए, हाँ, वो रेंग कर भी हरकत करते हैं। चंद जानवर क्या है, चलते हैं, चंद क्या है, उड़ते हैं। उसी तरह से आखिरी है मछली। तो आपको तो पता है कि मछली हमेशा पानी में ही जिंदा रहती है। तो एक जगह से दूसरी जगह हरकत के लिए इस्तेमाल होने वाला जिस्मानी हिस्सा उसका कौन सा है, बोलिए, जांफे, यानी फिन्स। जांफे की मदद से क्या है, वो पानी में तैरते हैं। किस तरह तैरते हैं, वो पानी में तैर कर अपनी हरकत करते हैं। चलना, दौड़ना, उड़ना, कूदना, रेंगना, घसीटना, फिसलना और तैरना, ये सब कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए जानवर एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे इस सबक के अगले सेगमेंट की तरफ। जो हमारा नुक्ता था दूसरा, इंसानी जिस्म और इसकी हरकत। तो इंसान की इंसानी जिस्म में किस तरह वो हरकत करता है, इसके ताल्लुक से हम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंसानी जिस्म के हरकत हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लड़का है, चल रहा है, भाग रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, जंप कर रहा है, बाउंस कर रहा है, नील हो रहा है, बेंड हो रहा है, बैठा हुआ है, सोया हुआ है, बॉल खेल रहा है, साइकिल ये कर रहा है। और यहाँ पर और देख सकते हैं कि बॉल फेंक रहा है, ये बैट से हिट कर रहा है, या कैच पकड़ रहा है, या शूट कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें देखने से आप क्या महसूस कर सकते हैं, इनका मुशाहिदा करने से आप क्या नतीजा अक्स कर सकते हैं, हाँ, क्या है, यहाँ पर हर एक तस्वीर में कुछ ना कुछ यहाँ पर इंसानी जिस्म की हरकत महसूस हो रही है।
तो इससे हमें पता चलता है कि इंसान सुबह से लेकर जब वो सुबह उठता है से लेकर शाम तक, रात तक, सोने तक भी वो हरकत में ही रहता है। हत्ता कि वो जब नींद में होता है तब भी क्या है, उसका जिस्म थोड़ा ना थोड़ा हरकत करता हुआ रहता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इंसानी जिस्म, इंसान क्या है, यहाँ पर एक लड़का है जो बहुत सारे हरकत को यहाँ पर वो अंजाम दे रहा है, यही जिस्मानी हरकत है। हम अपने जिस्म के कुछ हिस्सों को मुख्तलिफ सिमतों में बआसानी हरकत दे सकते हैं, यानी हम अपने जिस्म के चंद हिस्सों को, जैसा कि हमारा जो यहाँ पर कांधा है, यहाँ पर जो बाजू है, इस बाजू का इस्तेमाल करते हुए एक बॉलर क्या है, बॉल को फेंकता है और उसका जो बाजू होता है वो मुकम्मल दायरानुमा हरकत होती है, यानी किसी एक जानब हरकत नहीं होती बल्कि वो दायरानुमा हरकत होती है। तो ऐसे हिस्से भी हमारे जिस्म में हैं कि वो मुख्तलिफ सिमतों में बआसानी हरकत दे सकते हैं। उसके बाद कुछ हिस्सों को सिर्फ एक ही सिमत में हम हरकत दे पाते हैं। चाहे हमारे जिस्म में कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिसको हम चाहकर भी सिर्फ एक ही सिमत में हरकत दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब हाथ लीजिए, हाथ की जो कोनी होती है ये सिर्फ एक ही सिमत में हरकत कर पाती है। हम इसको चाहकर भी हाथ को नीचे की तरफ मोड़ नहीं सकते। अब घुटना है, पैर जब चलते हैं तो सिर्फ पीछे की तरफ हम उसको मोड़ सकते हैं, ना कि सामने की तरफ हम उसको मोड़ सकते हैं। तो ऐसे भी कुछ हिस्से हैं जो हमारे जिस्म में जो सिर्फ एक ही सिमत में हरकत दे पाते हैं, और कुछ हिस्सों को कतान हरकत नहीं दे पाते, नहीं दे सकते। यानी हमारे जिस्म में कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जिनको हम चाहकर भी कतई तौर पर हरकत नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर है सर, सर यानी जो हमारी खोपड़ी है, तो इसको क्या है, हम चाहकर भी क्या है मुख्तलिफ सिमतों में हरकत नहीं दे सकते। हाँ, गर्दन की मदद से दे सकते हैं, लेकिन सर क्या है, जैसे का वैसा ही होता है। चलिए आइए हम इन जो तीन हम यहां पर सेंटेंस देखे हैं, क्या वाकई में वो सही हैं या गलत हैं, इसके लिए हम एक अमली काम करके देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में एक बच्चे को एक पैमाने की मदद से अपने कोहनी को सीधा करते हुए एक लकड़ी को दोनों तरफ से बांधा गया है। ये आप भी क्या है अपने एक दोस्त की मदद से कर कर देख सकते हैं। तो इसको देखने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या ये लकड़ी, ये पैमाना बांधने के बाद क्या वाकई इसका हाथ अब मुड़ सकता है, क्या वो कोहनी को अपने मोड़ सकता है? नहीं, क्योंकि यहां पर जो होता है, यहां पर जोड़ होती है, यानी ये कोहनी क्या है, एक जोड़ है। जोड़ की मदद से क्या है, इधर की हड्डी और इधर की हड्डी मुड़ सकती है। अगर जोड़ ना हो तो हाथ हमारा मुड़ नहीं सकता। आइए हम अब इस सबक के अगले सेक्शन में जाएंगे जो जोड़ जोड़ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक इंसानी पिंजरा है, यानी इंसानी ढांचा है, हड्डियों का ढांचा है, ये आपने कई जगहों पर देखा होगा। यहां पर चंद पॉइंट्स को हाइलाइट्स किया गया है। यहां पर देख सकते हैं आप, कांधा है, यहां पर कोहनी है, यहां पर हाथ की कलाई है, यहां पर भी है, और यहां पर घुटना है, और यहां पर पैरों पे। तो ये क्या है, ये तमाम जोड़ है। जोड़ क्यों जरूरी है, जोड़ क्या है, क्या जोड़ ना है, अगर जोड़ हमारे पास, जोड़ अगर ना हो तो क्या हमारे हाथ इस तरीके से हरकत कर पाएंगे, मुड़ पाएंगे, क्या हमारे पैर मुड़ पाएंगे, क्या हमारी कमर मुड़ पाएगी? नहीं, जोड़ बहुत ही जरूरी है। अगर जोड़ जिस्म में ना हो तो हम बिल्कुल सीधा खड़े रहने, जिस तरह से हम सीधा खड़े रहते हैं वैसे ही खड़े रहेंगे, बल्कि अकड़ जाएंगे, कोई भी किसी भी किस्म का काम करने से हम खासिर हो जाएंगे। तो आइए हम जोड़ का डेफिनेशन देखते हैं कि जोड़ किसको कहते हैं। हम अपने जिस्म को उन जगहों पर मोड़ सकते हैं या घुमा सकते हैं जहां जिस्म के दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ये जगह जोड़ कहलाती है। समझ में आया बच्चों, क्या है इसका मतलब?
जिस्म के उन जगहों पर मोड़ सकते हैं या घुमा सकते हैं, जैसा कि कोनी है, घुटना है, गर्दन है, ये उंगलियां हैं, मोड़ सकते हैं या घुमा सकते हैं, जहां जिस्म के दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी अब यहां पर हाथ लो आप, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये दोनों के बीच में एक जो कोहनी है वो एक जोड़ है। वहां पर मिसाल आप लिख सकते हैं कि कोहनी, घुटना, कलाई, कांधा, गर्दन वगैरह बहुत सारे जिस्म में क्या है जोड़े हम देख सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं, जो इससे पहले की तस्वीर में आप कर चुके हैं। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, सेगमेंट हड्डियां यानी बोन्स किसको कहते हैं। तो आप एक अपनी उंगली से आप अपने हिस्से को दबा, आप अपने जिस्म को दबा कर देखिए, कहीं भी सर पे, चेहरे पर, हाथों पर, पैरों पर, जहां कहीं भी आपको कोई सख्त चीज अगर महसूस होती है तो वो हड्डियां की मौजूदगी की निशानदेही है। तो हड्डियां आपने देखा होगा कि इंसानी हड्डियां का ढांचा आपने स्कूल में या मोबाइल में या कंप्यूटर्स में या टेलीविजन पर देखा होगा कि इंसानी जिस्म का ढांचा किस तरह से होता है, और ढांचा मतलब क्या है, वो हड्डियों से बना हुआ ढांचा होता है। यहाँ पर आप दो तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर इंसानी ढांचे की तमाम हड्डियों को अलग-अलग अलग-अलग करके बताया गया है। ये खोपड़ी है, ये उसके हाथ है, ये पसलियां हैं, उसी तरह से यहाँ पर ये रीढ़ की हड्डी है, ये हाथ की हड्डियां हैं, ये कोहनी की हड्डी है, और ये कांधे की हड्डी है। तो मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर हड्डियां का आप मुशाहिदा कर सकते हैं। तो हड्डियों को आप किस तरह से लिखोगे, उसका मतलब किस तरह से समझेंगे, कि जिस्म में मौजूद सख्त जसामतें जो होती हैं वही हड्डियां कहलाती हैं। हड्डियों के अलावा कोई और चीज जिस्म में सख्त नहीं होती। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक इंसानी ढांचा है, हड्डियों का ढांचा है, और ये तमाम क्या है, पूरे हड्डियां ही हैं। तो एक बालिग इंसान में कुल 206 हड्डियां होती हैं। एक बालिग इंसान में कुल कितने हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां मिलकर क्या है, एक इंसानी ढांचा, हड्डियों का ढांचा बनता है, और जिस्म को एक शेप मिलता है, जिस्म को एक शक्ल मिलती है। और छोटे बच्चों में 300 हड्डियां या उससे भी जायद हड्डियां होती हैं, जो बाद में बढ़कर क्या है, एक की हड्डी दूसरी हड्डी में पेवस्त होकर जब वो पूरी तरह से बालिग जवान हो जाता है तो वो 206 हड्डियां मुकम्मल कर लेता है। हड्डियों को मोड़ नहीं सकते, लेकिन जोड़ों की मदद से उसको मोड़ा जाता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये बड़ी हड्डी है, पैर की हड्डी है, तो इन हड्डियों को हम मोड़ नहीं सकते। हाँ, कहां पर मोड़ सकते हैं, जहां पर यहां पर जोड़ जो होता है वहां जोड़ की मदद से क्या है, हम इस हड्डी को मोड़ सकते हैं। मिसाल तौर पर यहां पर एक घुटना है, अगर यहां से यहां तक अगर एक ही हड्डी होती तो क्या हमारा पैर घुटने पर मुड़ पाता, क्या हम चल पाते, नहीं, हम चलने से खासिर हो जाते। अगर यहां से लेकर यहां तक अगर हाथ की हड्डी में दरमियान में अगर कोहनी ना होती, अगर कोई ज्वाइंट अगर यहां पर नहीं होता तो क्या हम इस हाथ से काम कर सकते, नहीं, हम ठीक से खाना भी नहीं खा सकते थे। तो हम कह सकते हैं कि हड्डियों को मोड़ नहीं सकते, लेकिन जोड़ों की मदद से मोड़ते हैं। तो हमारे जिस्म के हर एक हिस्से में कई हड्डियां मौजूद हैं। हम अपने जिस्म को सिर्फ उन जगहों पर हरकत दे सकते हैं या मोड़ सकते हैं जहां हड्डियां आपस में मिलती हैं। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जिस्म जो है वो कई हड्डियों से मिलकर हमारा इंसानी ढांचा बना है, ढांचे के ऊपर गोश्त पेवस्त होता है और अंदर हड्डियां ही होती हैं, तो वो कोई एक दो हड्डी नहीं बल्कि 206 हड्डियां हमारे जिस्म में मौजूद हैं। खुद हम अगर एक कलाई की अगर हम मिसाल दें या एक उंगली की अगर हम मिसाल लें तो आप देख सकते हैं कि इसमें तीन तरह के हड्डियां का जोड़ यहां पर है। हर उंगली में तीन तीन ज्वाइंट हैं, फिर आगे कलाई के ऊपर, कलाई के पीछे हिस्से में आप देख सकते हैं, कलाई पर देख सकते हैं, यहां पर
तो कईयों जोड़ से मिलकर क्या है, हमारे हड्डियां वजूद में आई हैं और हमारे आजा वजू में, आजा क्या है, वजूद में आए हैं, तभी हम कुछ काम कर सकते हैं। बगैर जोड़ के क्या है, हमारे हड्डियां काम नहीं कर सकते। और हम जिस्म को सिर्फ उन जगहों पर ही हरकत दे सकते हैं या मोड़ सकते हैं जहां हड्डियां आपस में मिलती हैं, जैसा कि कोहनी है, तो कोहनी क्या है, दो हड्डियों से मिलकर बनी है, इसलिए हम इसको हरकत आराम से दे सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अभी जो आपने सीखा है मुझसे, तो आपको कितना याद है उसके बारे में हम यहां पर जहनी जांच करेंगे। उम्मीद है आप सही सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर क्या है, जोड़ लगाइए, यहां पर जोड़ लगाना है आपको। यहां पर चार पॉइंट्स दिए गए हैं और यहां पर उनके जवाबात हैं। सही जवाब आपको सोच समझकर जोड़ लगाने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले है नंबर एक क्या है, जानवर एक जगह से दूसरी जगह, तो यहां पर आप कौन सा सही जोड़ लगाने की लगाएंगे। हाँ, जानवर एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, वेरी गुड। अब दूसरा है, एक बालिग इंसानी जिस्म में, यानी एक जो बालिग इंसानी जिस्म है, यहां पर कौन सा उसको सही जोड़ लग सकता है, बताइए। वेरी गुड, एक बालिग इंसानी जिस्म में 206 हड्डियां होती हैं। अब तीसरा पॉइंट है, जिस्म के दो हिस्सों का एक दूसरे से जुड़े रहना क्या कहलाता है, बोलो। वेरी गुड, क्या कहलाता है, जोड़ कहलाता है। अब है आखिरी चौथा पॉइंट क्या है, जिस्म में सख्त जसामतें, तो आपको अंदाजा हो गया कि सख्त जसामतें से मुराद क्या हो सकती हैं, वो वेरी गुड, हड्डियां कहलाती हैं। जिस्म में सख्त जसामतें हड्डियां कहलाती हैं। प्यारे तलबा व तालिबात, आज के इस सेशन का आखिरी सेगमेंट है होमवर्क, यानी आपको होमवर्क करके कल लाना है। तो सिंपल से मैं आसान से एक दो सवाल आपको दूंगा और उम्मीद है आप उसका सही सही जवाब लिखने की कोशिश करेंगे। तो आज का होमवर्क क्या है, पहला सवाल रजेजेल के जवाब दें। पहला सवाल क्या है, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में होने वाली जिस्मानी हरकत की फहरिस्त बनाइए। बहुत ही आसान सवाल है, यानी हम जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें होने वाली जिस्मानी हरकत कौन कौन सी है, यानी क्या क्या सरगर्मियों को हम अंजाम दे सकते हैं, उनकी सिर्फ आपको एक फहरिस्त, एक लिस्ट बनाना है। तो उम्मीद है आप लिखकर लाएंगे। आज का दूसरा सवाल जो है होमवर्क में, जोड़ और हड्डियां किसे कहते हैं, मिसालों के जरिए वाजे कीजिए। यानी जोड़ किसे कहते हैं और हड्डियां किसे कहते हैं, मिसालों के जरिए क्या है आपको वजाहत करना है और लिखना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह हम अगले सेशन में इससे आगे के सबक के बारे में मुताला करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज। हाड़ी अली जो गुड़ी हेच्चे यहाँ।